चलिए शुरू करते हैं। ये शीट तो मैं बंद कर देता हूं, और भी अगर आपके कोई डाउट होते हैं तो आप डाउट पूछ लेना। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर विद स्केलर, बहुत ही आसान चीज है ये, लेकिन इसका फिजिक्स में यूज काफी अच्छा है, मैं बताऊंगा। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर विद स्केलर, स्केलर क्या होता है? एक नंबर होता है, स्केलर एक नंबर है। दूसरा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर विथ अनदर वेक्टर, ये जो है ना सेकंड वाला, इसमें दो पार्ट आते हैं। एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन, जिसमें एक हम पढ़ते हैं डॉट प्रोडक्ट और दूसरा हम पढ़ते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, दूसरा हम पढ़ते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ये जो डॉट प्रोडक्ट होता है, इसी का नाम होता है स्केलर प्रोडक्ट, दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट। और जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, इसका दूसरा नाम होता है वेक्टर प्रोडक्ट। ये दो चीजें जब आप पढ़ लेंगे तो आपका वेक्टर खत्म हो जाएगा। एक दो छोटी मोटी चीजें और इसमें बची हैं जो हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले मैं ये फर्स्ट वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये समझाता हूँ। नीचे वाला अभी थोड़ी देर में स्टार्ट करेंगे, एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ प्रोडक्ट या मल्टीप्लीकेशन। तो दो चीजें आती है उसमें, एक आता है डॉट प्रोडक्ट, एक आता है क्रॉस प्रोडक्ट। आपने पढ़ा तो होगा क्योंकि सब बच्चे इसमें टारगेट के ही हैं, कोई फाउंडेशन का बच्चा नहीं है। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर विद अ स्केलर, ये पहले देखते हैं। मैं नीचे का इरेज कर रहा हूं, आप नोट कर लीजिए, ठीक है? नीचे का मैं इरेज कर देता हूं। एक वेक्टर है, उस वेक्टर का स्केलर के साथ मल्टीप्लाई, स्केलर कोई नंबर है। तो देखिए, लेट अ वेक्टर इज, ए वेक्टर मान लो, और ये है आपका a1i कैप, a2j कैप, a3k कैप, ठीक है? और एक स्केलर है एंड अ स्केलर, और उस स्केलर का नाम है p। तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, p का a के संग करेंगे, तो ऐसे लिखा जाएगा। और हमको एक नया वेक्टर मिला, मान लो उसका नाम है b, b वेक्टर। अभी मैं एग्जांपल लेके भी समझाऊंगा। एक b वेक्टर मिला जो कि ए वेक्टर का पी टाइम्स है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, यानी ए वेक्टर है ये वाला, और इसका मल्टीप्लाई कर दिया इस स्केलर पी के साथ में, आप समझो, ठीक है? तो हमको ये एक नया वेक्टर बी मिल जाएगा। तो कुछ नहीं करना होता है इसमें, पी का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए के जो कोफिशियंट्स होते हैं, ये ए वन और ये आपका ए टू और ये ए थ्री, जो कोफिशियंट इन्हीं को कहते हैं आई जे के कोफिशियंट मल्टीप्लाई में जो होते हैं, इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हो जाएगा पी ए वन आई कैप, पी ए टू जे कैप और पी ए थ्री के कैप, राइट? ये आपका नया वेक्टर आ गया बी। अब इसका एग्जांपल देखिए। अच्छा, इसमें ये मैंने कहा था, ये मैं हेडिंग हटा देता हूँ क्योंकि ये हम थोड़ी देर में लेंगे। अभी हमारा हेडिंग जो चल रहा है वो ये वाला है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर विद अ स्केलर, ठीक है? ये हेडिंग चल रहा है। तो अब इसमें देखिए, एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे मान लो पी की वैल्यू सपोज करो 2 है और ए वेक्टर मान लो 3i-4j+2k कैप, ऐसे दिया है मान के चलिए, और आपसे कह रहा है फाइंड पी वेक्टर विच इज पी टाइम्स ए वेक्टर। तो आप क्या करोगे, पी यानी जिसकी वैल्यू 2 है और ए वेक्टर ये आपका 3i-4j+2k कैप है, तो सिंपली मल्टीप्लाई करिए 6i-8j+4k कैप, ये आपका बी वेक्टर आ गया। बी वेक्टर आ गया 6i-8j+4k कैप, ठीक? सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। अब आपने कहा कि सर इसका यूज क्या है? यूज बेटा ये है कि अगर एक वेक्टर बी और ए में कोई चीज कॉमन आ जाती है, जैसे पी, और वो कॉमन पी जो आ रहा है यहाँ पे, ये वाला पी, अगर ये एक पॉजिटिव नंबर है, जैसे यहाँ पे 2 है विच इज ए पॉजिटिव नंबर, तो इसके यूज क्या है, एप्लीकेशन क्या है?
अगर ये पॉजिटिव नंबर कॉमन आ जाता है, जैसे अभी पीछे कोलिनियर वेक्टर में नहीं देखा था हमने, वहां पे दोनों में कॉमन था कोफिशियंट का रेशियो, अगर ये पी पॉजिटिव नंबर आता है तो ए और बी वेक्टर पैरेलल होते हैं, अगर ये नेगेटिव होता है तो एंटी पैरेलल होते हैं, अभी पीछे भी क्वेश्चन में बताया था, तो इस बात को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और बहुत ही खास बात है, इससे पता है क्या फायदा होता है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में अगर पैरेलल है तो एंगल जीरो पता लग जाएगा, सिर्फ देख के, सिर्फ देख के बेस्ट तरीका है ये। तो इफ पी इज पॉजिटिव, समझना इस बात को, और अभी मैं यूज करके बताऊंगा, इफ पी इज पॉजिटिव देन ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, अगर पी नेगेटिव है, इफ पी इज नेगेटिव, पी कोई भी नंबर होगा, बस आपको पॉजिटिव नेगेटिव देखना, जरूरी नहीं एक से बड़ा हो, एक से छोटा भी हो सकता है, बस पॉजिटिव नेगेटिव देखना होता है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर एंटी पैरेलल होते हैं, और एंटी पैरेलल के लिए ऐसे एक एरो ऊपर एक एरो नीचे बना देते हैं। अब अगर पैरेलल होते हैं तो इसका मतलब सेम डायरेक्शन है, तो दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो जीरो डिग्री होगा, और अगर एंटी पैरेलल होते हैं तो दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री होगा। आई थिंक मेरी बात समझ में आई हो, तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री, राइट। अब इसके एग्जांपल क्या है, अब जैसे मान लो कोई ऐसे वेक्टर दिया, समझना कैसे दिया होगा, इफ ए वेक्टर इक्वल्स टू 3i माइनस 2j प्लस 4k कैप, और बी वेक्टर आपको दिया है, बी वेक्टर माइनस का 6i प्लस का 4j कैप माइनस का 8k कैप, देन ऐसे आ गया, फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो अगर आप सिर्फ गौर करोगे ना यहाँ पे जो लिखा हुआ है, तो ही आपको समझ में आ जाएगा कि बी वेक्टर हमें जो मिला है वो ए वेक्टर में कुछ मल्टीप्लाई करके मिल रहा है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो। आप देखिए बी वेक्टर में अगर मैं चाहूँ तो माइनस टू अगर कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा आपका 3i माइनस का 2j माइनस का 4k कैप आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यानी कि अगर आप देखें तो बी वेक्टर माइनस टू टाइम्स ए वेक्टर हो गया, और अगर ध्यान दो तो ये जो है ना माइनस टू, ये किसकी वैल्यू है, ये पी की वैल्यू है, ये एक सेकंड अनुज अभी मैं तुम्हें अलाउ करूंगा, ये पी की वैल्यू है, और पी क्या है यहाँ पे, पी क्या है माइनस टू है, तो मैंने क्या बोला था, अगर पी की वैल्यू नेगेटिव होती है तो ए और बी कैसे होंगे, एंटी पैरेलल होंगे, यानी ए वेक्टर एंटी पैरेलल हो गया बी के, इसका मतलब एंगल दोनों के बीच में क्या हो गया 180 डिग्री। ये बहुत ही आसान तरीका है, अनुज बोलो, मैंने यहाँ से शायद अलाउ कर रखा है, नहीं अब मैंने अलाउ किया, बोलो कुछ पूछना चाह रहे हो तुम अनुज, अलाउ कर दिया मैंने सर, क्लियर हो गया सर, हो गया नहीं सर वो, ठीक है, तो ऐसे ऐसे ही आपको देखना होता है, बस केवल चेक करना है कि एक वेक्टर में से जो कॉमन आ रहा है नंबर, कोई भी नंबर, वो सिर्फ आपको चेक करना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव देखना है, सिर्फ अगर कॉमन आ रहा है तो, अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो पैरेलल या एंटी पैरेलल होंगे, पॉजिटिव आ रहा है तो पैरेलल, नेगेटिव आ रहा है तो एंटी पैरेलल, पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब पैरेलल, पैरेलल का मतलब एंगल जीरो, और अगर नेगेटिव कॉमन आ रहा है, अच्छा इसमें एक से बड़ा या छोटा नहीं देखना है, जैसे मान लो कॉमन 1/3 आ गया चलेगा, माइनस 1/3 आ गया चलेगा, बस आपको पॉजिटिव नेगेटिव देखना है। आपने कहा सर कॉमन नहीं आया तो फिर पैरेलल एंटी पैरेलल नहीं होंगे कन्फर्म, फिर कुछ एंगल आएगा, और कुछ एंगल को निकालने का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है डॉट प्रोडक्ट में, याद आ रहा हो तो मैं पढ़ाऊंगा अभी, डॉट प्रोडक्ट शुरू नहीं हुआ, कॉस थीटा निकालने का एक ये फॉर्मूला होता था ए डॉट बी अपॉन ए बी, अभी आएगा, इससे कोई भी एंगल निकाला जा सकता है, कोई भी एंगल, ये हम पढ़ेंगे आगे, अभी डॉट प्रोडक्ट में आएगा, तो मैंने मिटा दिया है, अभी इसकी बात नहीं करेंगे। अब आपने कहा सर फिजिक्स में ऐसे कोई एग्जाम्पल होते हैं, बहुत सारे हैं, आपका ध्यान नहीं गया होगा, देखो मैं दिखाता हूँ एग्जाम्पल इन फिजिक्स इसी चीज के जो हमने पढ़ा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा F equals to ma, आप देखो F वेक्टर होता है, एक्सेलरेशन वेक्टर होता है, और m क्या है, m क्या है बताएगा कोई, मास तो है बट मास नहीं, स्केलर, हाँ स्केलर है, तो आप ध्यान से देखो, तो एक वेक्टर a में एक स्केलर m का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक दूसरा वेक्टर फोर्स मिल रहा है, b वेक्टर मिल रहा है, और आप जानते हो मास हमेशा पॉजिटिव होता है, मास कभी नेगेटिव नहीं होता, तो इस बेसिस पे आप क्या कह सकते हो, इस बेसिस पे ये कह सकते हो एज एम इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि एक्सेलरेशन और फोर्स हमेशा, बोलो सेम डायरेक्शन में होंगे, यानी पैरेलल होंगे,
ऐसे ही एक एग्जांपल आपने जरूर पढ़ा होगा, पी इक्वल्स टू एम वी। ये पी क्या होता है? मोमेंटम पढ़ा है। मैं छोटे छोटे एग्जांपल ले रहा हूँ, और आप जानते हो एम फिर से स्केलर है, वेलोसिटी वी वेक्टर है, पी मोमेंटम वेक्टर है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ से एम क्योंकि पॉजिटिव होता है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी का डायरेक्शन और मोमेंटम का डायरेक्शन हमेशा पैलर होता है। पैरेलल होता है, सेम होता है। ये पहला एग्जांपल हो गया, ये आपका दूसरा एग्जांपल हो गया, तीसरा और एक ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। आपने टॉर्क का एक फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, टारगेट बैच के बच्चे हैं इसलिए ये फॉर्मूला 11th क्लास में जरूर पढ़ा होगा। अब आप ये नहीं कह सकते कि सर मैं टारगेट का नहीं हूँ, 12th में तो हो गए। अब 12th में हो गए तो आप 11th तो पढ़ के आए होगे थोड़ा बहुत। तो ये एक टॉर्क का फॉर्मूला होता है, टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा। कोई बात नहीं, नहीं भी पढ़ा है मैं, मान लेता हूँ आगे आएगा। आप इसमें देखिए टॉर्क टाउ होता है आई अल्फा। आई को क्या बोलते हैं, कोई बताएगा मुझे? इनर्शिया नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में अंतर है। आप सही नाम बोलेंगे तो इसका सही नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ध्यान रखना पॉजिटिव स्केलर है, कभी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया नेगेटिव नहीं होता। इससे आप क्या कह सकते हैं टॉर्क और अल्फा के बारे में? पैरेलल एक दूसरे के, हमेशा पैरेलल होंगे। अच्छा चलो और एक एग्जांपल, आपने कहा ये तो सर सारे एग्जांपल पैरेलल आ गए। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा एफ इक्वल्स टू क्यू ई 12th क्लास में। यहाँ पे क्यू क्या होता है? चार्ज। चार्ज ई क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ई क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। एफ क्या होता है? फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। बट आप जानते हो चार्ज कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब चार्ज कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो आप ये कहेंगे अगर इफ क्यू पॉजिटिव है तो आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स पैरेलल होंगे। इसका मतलब जानते हो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया जाए, मुझसे एग्री करोगे जो मैं बात बता रहा हूँ, इतना सब आप जानते होंगे कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज को फील्ड में रख दो तो उस पर फोर्स का डायरेक्शन वही होता है जो फील्ड का डायरेक्शन होता है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? इतना तो पढ़ा होगा। यस सर। बस आप पढ़ा होगा, लेकिन अब वेक्टर से इसको कैसे कनेक्ट करेंगे? मुझे लग रहा है पहली बार आप जान रहे होंगे कि वेक्टर से भी इसका कोई कनेक्शन है। बिल्कुल है। अब यही चीज आप देखिए, क्यू की वैल्यू अगर नेगेटिव हो तो चार्ज अगर नेगेटिव होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव चार्ज पर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। आपने पढ़ा होगा नेगेटिव चार्ज, जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर फील्ड, इलेक्ट्रॉन को फील्ड में रख दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा फोर्स, तो यहाँ एंटी पैरेलल। तो ये यहीं से तो चीजें आई। तो आप देखिए वेक्टर की हर जगह इंपॉर्टेंस है। अभी तो सिर्फ एक नमूना है, एक झलक दिखाया मैंने कि वेक्टर के बिना कुछ भी नहीं है मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में। तो ये आपको सीखना पड़ेगा, ये चीजें आपको आएंगी, और अभी कुछ निकला भी नहीं है। अगर जो बच्चे लेट भी ज्वाइन किए हैं, अभी कुछ खास नहीं निकला, तो ये सिर्फ एक एग्जांपल दिया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको फिजिक्स में मिल जाएंगे, अभी तो शुरुआत है। ये आपका बस इतना ही जानना था, एक वेक्टर का स्केलर से मल्टीप्लीकेशन में सिर्फ इतना जानना था। अब आते हैं हम इसके बाद डॉट प्रोडक्ट पर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर विद एनदर वेक्टर में पहला डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है? ये आप नोट कर लो, और नोट नहीं कर पाए तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, साथ ही साथ नोट किया करो, सुनते भी जाया करो, नोट भी करते जाया करो, कोई डाउट हो हुआ करे तो पूछ लिया करो, बट क्लास मिस नहीं करनी। एक भी क्लास मिस करोगे अगर आपके अंदर वीकनेस है, हाँ अगर आता है, आपको लग रहा है कि मुझे वेक्टर अच्छा आता है, कोई दिक्कत नहीं, आप मिस करिए। आपको लग रहा है मैं सर 8 दिन बाद करूंगा, वेक्टर खत्म हो जाए, मुझे बहुत अच्छा आता है सर, कोई दिक्कत नहीं, मैं कब कह रहा हूँ, आप 8 दिन बाद ज्वाइन कर लो। लेकिन अगर किसी को लग रहा है कि मेरी फिजिक्स वीक है, तो वीक वेक्टर और मैथमेटिक्स की वजह से होती है। सबसे बड़ी दिक्कत यहीं से शुरुआत होती है, वीकनेस की यहीं से शुरुआत होती है। आपका जो बेस है ना, वही वीक हो जाता है। तो बिल्डिंग, इमारत जब नींव ही कमजोर होगी तो इमारत बुलंद कहां बनेगी? आपको अगर लगता है वेक्टर मुझे अच्छा आता है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद देखिए सेकंड वाला पार्ट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर विद स्केलर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर विद स्केल, सॉरी वेक्टर, एक वेक्टर का दूसरे से, दो तरीके हैं मल्टीप्लीकेशन के। डिवीजन कभी नहीं पढ़ेंगे, आज तक डिवीजन डिफाइन नहीं हुआ, एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर से डिवीजन आज तक डिफाइन नहीं है। ये बात मैंने आपको पीछे बताई भी थी जब यूनिट वेक्टर पढ़ा रहा था, वहां मैंने आपको बताया भी था। अब देखिए इसके बाद मैं यहाँ से आपको सबसे पहले तो म्यूट कर देता हूँ, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है। तो मल्टीप्लीकेशन of a vector with another vector, multiplication of a vector with another vector,
मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर विद अनदर वेक्टर। ठीक, इसमें पहला जो केस है वो है आपका डॉट प्रोडक्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं, दूसरा हम आगे पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। डॉट प्रोडक्ट अभी तो शुरुआत है, कल खत्म हो पाएगा। तो डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा नाम है इसका स्केलर प्रोडक्ट। और डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट को एक डीपीपी दूंगा, पहले आप इस डीपीपी को खत्म कर लो, ये जो दिया है। और सफिशियंट टाइम मिल रहा है आपको, देखिए एक डीपीपी मिला, इसमें 15-16 क्वेश्चन है। आप अगर रोज 5 क्वेश्चन ही बेटा लगाते ना, 5 क्वेश्चन मतलब 15 ही लगाने चाहिए आपको एक दिन में वैसे तो, पर मैं कह रहा हूँ 5 भी लगाते, 3 दिन हो गए तो आप आराम, संडे भी मिल गया, आज का दिन भी मिल गया, सैटरडे भी मिला था मेरे ख्याल से, फ्राइडे सैटरडे को मैंने डीपीपी दिया था, तो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसा वर्कलोड नहीं। डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट में आप देखिए ए वेक्टर डॉट बी, ऐसे बीच में डॉट लगाते इसलिए नाम ये पड़ा। और इसका जो रिजल्ट आता है ए डॉट बी का, वो एक नंबर मिलेगा ए बी कॉस थीटा, ये एक नंबर होगा, इसीलिए नंबर एक स्केलर होता है, इसलिए नाम पड़ा स्केलर प्रोडक्ट। अब आपने कहा ये आया कहाँ से, इसका प्रूव नहीं है, यही इसका फॉर्मूला है, यही इसकी डेफिनेशन है। तो ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा होता है। अब ए बी कॉस थीटा में थीटा क्या है, ए तो समझ में आ गया होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, बी बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और थीटा इन दोनों के बीच में क्या होता है, एंगल। अब एंगल कैसे देखते हैं ये बात मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है, ठीक है, यही इसकी डेफिनेशन है। अब इसमें आगे जैसे क्वेश्चन आपको किस तरह के मिलेंगे, दो तरह के क्वेश्चन होंगे, एक तो ए वेक्टर बी वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में दिए होंगे, फिर आपसे डॉट प्रोडक्ट करवाएगा, बहुत ही आसान तरीका होता है। या फिर क्या करता है कि ए दिया होगा मैग्नीट्यूड, बी मैग्नीट्यूड दिया होगा और एंगल थीटा दे देगा, तो सीधे सीधे तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, ए का बी का और कॉस थीटा का, तो एक नंबर आ जाएगा, दैट्स ए स्केलर, इसलिए स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। अब इसमें सबसे पहले हमें आई जे के जो डॉट प्रोडक्ट है उसको जानने की जरूरत होगी, तब हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो हमने पीछे ये देखा कि आई जे और के ये यूनिट वेक्टर होते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलावा, तो इनमें जो पॉसिबिलिटी बनेगी वो 9 पॉसिबिलिटी बनती है। 9 कैसे, वो मैं लिख रहा हूं आपके सामने, आपको दिख रहा होगा। इसमें पहला है आई डॉट आई, दूसरा है जे डॉट जे, तीसरा है के डॉट के, यानी लाइक वाले हैं एक जैसे। फिर यहां मैं जो लिख रहा हूँ आई डॉट जे, जे डॉट आई, ये डिसलाइक वाले यानी डिफरेंट वाले हैं। जे डॉट के डॉट जे और के डॉट आई और आई डॉट के, ठीक है, टोटल 9 पॉसिबिलिटी बनती है, इसके अलावा कोई 10वीं पॉसिबिलिटी नहीं होती। अब आई डॉट आई जब करेंगे, ये ए की जगह आई आ गया और बी की जगह भी आई आ गया, तो हमने फॉर्मूला लिखा ए बी कॉस थीटा, यानी ए का मैग्नीट्यूड आई का मैग्नीट्यूड। आई एक यूनिट वेक्टर है, जे एक यूनिट वेक्टर है, के एक यूनिट वेक्टर है, यानी इनके मैग्नीट्यूड कितने होते हैं, 1। तो ये आ जाएगा आपका 1 × 1, और दोनों के बीच में एंगल सेम वेक्टर होते हैं तो एंगल क्या होता है, 0 cos 0, और cos 0 की वैल्यू आप जानते हैं 1, तो कितना आ गया, 1 आ गया। इसी तरह से जे डॉट जे जब करेंगे तो 1 × 1 और जे सेम है तो कॉस 0 आ जाएगा, ये भी आपका 1 आ जाएगा, और के डॉट के में भी 1 × 1 और कॉस 0, ये भी आपका 1 आ जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे आई डॉट जे, तो आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का 1, लेकिन दोनों आई और जे परपेंडिकुलर होते हैं। क्यों होते हैं भाई, देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस आपस में तीनों परपेंडिकुलर होते हैं, तो आई कैप जो होता है वो एक्स एक्सिस के अलोंग होता है, जे कैप y एक्सिस के अलोंग होता है, और k कैप z एक्सिस के। तो क्योंकि x y z आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो i j k भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे। परपेंडिकुलर का मतलब एंगल 90, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, cos 90 पता होना चाहिए आपको, पीछे लिखा दिया मैंने आपको, वैसे तो पीछे बता दिया cos 90 की वैल्यू। अब इसी तरह से j डॉट i करेंगे तो j का मैग्नीट्यूड i का मैग्नीट्यूड 1 1, और फिर वही j और i अभी भी परपेंडिकुलर ही होंगे, आगे पीछे करने से फर्क थोड़ी पड़ेगा, तो ये 0 आ जाएगा। तो आप इनमें से देखो कोई भी डिससिमिलर वाले, जो सिमिलर है उनका आंसर आप देखेंगे 1 आ गया, ये 1 1 1 सिमिलर वालों का, और डिससिमिलर वालों में एंगल 90 आने वाला है, तो 1 × 1 × cos 90 ये आपका 0 हो जाएगा। और ऐसे ही सबका 0 आने वाला है कि नहीं, क्यों, आई और जे, जे और के, कोई भी डिससिमिलर वाले ले लो, एंगल 90 cos 90 क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। इन शॉर्ट एक छोटी सी बात ध्यान रखो कि दो वेक्टर का जब हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उसमें सिमिलर वालों का 1 आता है और डिससिमिलर वालों का हमेशा 0 आएगा। तो जब डिससिमिलर वालों का 0 आएगा तो हम उसको क्यों करें मल्टीप्लाई, जब 0 ही आना है तो क्यों टाइम वेस्ट करें।
टाइम वेस्ट नहीं करना है, केवल सिमिलर वालों का मल्टीप्लाई किया जाता है। तो मैं अब इसका एक शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ, वैसे आप जानते होंगे, वो शॉर्ट आपके लिए नहीं है क्योंकि आपने खूब पढ़ा होगा ये, फिर भी अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि मुझे नहीं आता तो अब ध्यान दो। जैसे मान लो ए वेक्टर है 2i + 3j + 4k, बी वेक्टर है आपका मान लो i कैप + 2j कैप + 2k कैप, सपोज ऐसे है, ठीक है। तो अब इसमें मल्टीप्लाई जब करेंगे, या मान लो इसमें इसको 5 कर लेते हैं, चलिए 5k कैप कर लेते हैं, है ना। जब मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि ए डॉट बी जब करेंगे तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल ये आई का आई के कोफिशिएंट के साथ करो, आई का आई वाले के संग, जे का जे वाले के संग करो और के का के वाले के संग करो। इसके अलावा किसी का दूसरे से करने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि करोगे तो ये जीरो मिलेंगे, तो फिर हम टाइम क्यों वेस्ट करें, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो अब कैसे करना है, टू का इस आई का कोफिशिएंट 1 लिखा नहीं जाता, तो 2 का 1 के संग करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब आपने कहा सर i का i के संग 1 हो गया ना, ऊपर देखिए आपने इस 2 का, सुनो मेरी बात को, इस 2 का देखो, इस 2 का इस 1 के साथ कर लिया और i का i के साथ 1 ये लिखा है ना ऊपर, तो हमको जो मिला रिजल्ट वो क्या मिला, 2 × 1 मिला 2 और i × i मिल गया 1, प्लस 3 का 2 के संग करेंगे 6 और j का j के संग करेंगे 1। ऊपर देखो j का j के संग ये लिखा है, ये 1 लिखा है, ठीक। इसी तरह से नेक्स्ट वाला देखो, प्लस 4 का 5 के संग करेंगे 20 और k का k के संग करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये आप जब सॉल्व करके लाएंगे आंसर आपका ये आ जाएगा, यहाँ से 2 और 6 8 + 20, आंसर आपका 28 आ गया। सुनो ये जो 28 आया है, इस 28 की वैल्यू में कहीं भी आई कैप जे कैप के कैप नहीं है, यानी एक नंबर है, इसी को हम नंबर को स्केलर बोलते हैं, इसीलिए नाम पड़ा स्केलर प्रोडक्ट। अब बच्चा शुरू में जब सीखता है, आप तो टारगेट बैच के हो, जब शुरू में सीखता है बच्चा तो वो क्या गलती करता है कि यहाँ नीचे 2 के संग में आई लगा देता है, ऐसे लिखता है सर ये 6j और 20k। मुझे उम्मीद है आप ऐसा नहीं करोगे, यहाँ पे कोई आई कैप जे कैप के कैप नहीं आते, सिर्फ नंबर आते हैं, और वो क्यों नहीं आ रहे आई कैप जे कैप वो समझ में आ गया होगा, तो ये आ गया। तो हमेशा आपको करना क्या है, कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना है, सिंपल, मतलब आप ज्यादा दिमाग ना दौड़ा के, सिंपल ये 2 का इसके संग, अब इसके आई के आगे लिखा नहीं हुए तो 1 मान लेंगे, ऐसे 3 का 2 के संग करेंगे, 4 का 5 के संग करेंगे, बाकी का हमने क्यों नहीं किया, इसका इसके संग क्यों नहीं किया, इसके संग क्यों नहीं किया, या इसका इसके संग क्यों नहीं किया इसके, क्योंकि डिससिमिलर वालों का 0 आता है, तो उसमें टाइम खराब नहीं करना है, सिंपल। इतनी सी अप्रोच ध्यान रखनी, आई का कोफिशिएंट आई के कोफिशिएंट के साथ, जे का कोफिशिएंट जे के कोफिशिएंट के साथ, के का कोफिशिएंट के के कोफिशिएंट के साथ करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल और दे रहा हूँ, फटाफट से आप आंसर करना, मुझे आपको समझ में आ गया होगा, एक छोटा सा एग्जांपल देके फ्री करता हूँ, बस सिर्फ 10 सेकंड लगेंगे आपको सॉल्व करने में, सिर्फ 10 सेकंड। मान लो एक पी वेक्टर है और पी वेक्टर है आपका i 2i + 4j कैप + 6k कैप, ऐसे करके, और ऐसे क्यू वेक्टर मान लो ये दिया है, ठीक है, पी वेक्टर है आपका ये वाला और क्यू वेक्टर आपको ये दिया है, और ये मान के चलिए इस तरह से, तो आप फटाफट से मुझे पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर की वैल्यू बता दो, तुरंत बता दो, 10 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए, तुरंत बताइए। और आप बोल के बता सकते हैं, आप लिख के बता सकते हैं, आप बोल दो, मैं यहाँ से अलाउ कर देता हूँ, तुरंत बोल के बता सकते हैं क्या वैल्यू आई, 4i कैप जे कैप, अभी भी बोलोगे, अभी समझाया उसके बावजूद भी 4i कैप जे कैप बोल रहे हो, मतलब तुमको कुछ भी समझ में नहीं आया। अभी मैंने बोला कि आई कैप जे कैप नहीं आते, पी डॉट क्यू कितना आएगा बोलो, 26 आएगा, कुछ और आएगा, 26 करते हैं, 2 का 2 के संग हमने मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, 4 का 3 के संग किया 12 आ गया, और 6 का 2 के संग किया 12 आ गया, तो 12 × 12 = 24 और 4 = 26, बोलो भाई सही है? नहीं सर, एक सेकंड डिस्टरबेंस आ रहा है, मैं दोबारा से अनम्यूट करता हूँ आपको, डिस्टरबेंस आ रहा है, चलिए मैंने अनम्यूट कर दिया। क्या लग रहा है आपको, 26 आएगा? 20, नहीं आएगा, 26 नहीं आएगा,
असल में बताएं yes, क्या sir, किया आपने, 28. आपने ऊपर नीचे वालों को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का 2 के संग, 4 का 3 के संग, 6 का 2 के संग. और मैंने क्यों कहा था, मैंने कहा जल्दी से सॉल्व करके दिखाओ, 10 सेकंड में सॉल्व करके दिखाओ, आपको भी समझ में आ गया, तुरंत कर दिया. कुछ तो मानते, उन्होंने आई कैप जे कैप भी लगा दिया जबकि मैंने मना किया था. और कुछ बच्चों ने क्या सिली मिस्टेक करी, और यही सिली मिस्टेक होती है एग्जाम में. और आप बिलीव करिए कि एग्जाम में ऐसे सवाल आए हैं. अब मैंने आपको कहा था क्या, ऊपर नीचे वालों का मल्टीप्लाई करना है. मैंने ये कहा था आई का आई के संग, जे का जे के संग, और के का के संग करना है. आपने ध्यान दिया इसमें? क्लास बुरी तरह से डिस्टर्ब हो रही है. चलिए मैं आपको बताता हूं इसमें. देखिए आपको क्या करना है, आपको 2i और 3i का मल्टीप्लाई करना है. मैंने ये कहा था कि i का i के संग, j का j के संग करना है. आपने क्या किया, ऊपर नीचे वालों का मल्टीप्लाई कर दिया. अगर ध्यान से देखें तो ये आंसर नहीं होगा. हमको इसका इसके संग करना था, तो ये 6 आता, फिर 2 का 4 के संग करते 8 आता, और 6 का के संग करेंगे 12. तो सही आंसर आपका जो आता वो कितना आता, 12, 8, 20, 26 ही आ रहा है. चलो बाई चांस वाली बात है, 2, 3, 6, 4, 2, 8 बाई चांस वाली बात है, तो 26 आ गया. मैं क्या सोच रहा था, चलो बाई चांस वाली बात है, 26 फिर सही है. लेकिन मैं जो कह रहा था, देखो पॉइंट क्या था, पॉइंट ये था, समझने वाली बात है, कि यहाँ पे हमको ऊपर नीचे वालों का मल्टीप्लाई नहीं करना है. बाई चांस है कि दोनों तरीके से 26 आ गया, दोनों तरीके से 26 आ गया. और हो सकता है आप में से कई बच्चों ने किया भी ऐसे ही होगा, कई बच्चों ने ऐसे ही किया होगा, ठीक है, कई बच्चों ने ऐसे ही किया होगा. लेकिन आपको ध्यान रखना है, अब अगर इसमें मैं मान लो थोड़ा सा यहाँ पे कोफिशियंट बदल देता, जैसे 3 की जगह 4 कर देता, आपको ध्यान ये रखना है कि सेम सेम वाले कोफिशियंट हमको लेने होते आई का आई के संग, जे का जे के संग, और के का के संग, ठीक है. हाँ अभिनीत बोलो, कुछ कह रहे हो? मैंने अनम्यूट कर दिया, यहाँ से बोलो अभिनीत. जब हम सर, जब हम लोग ऊपर नीचे वाला करेंगे ना, तो सर 28 आएगा सर, उसका 26 ही आएगा. मैंने गलत लिख दिया था क्या, 2, 2, 4 हो गया ये, और 4, 3, 12, 6, 2, 12, 12, 12, 24, 28 गलत है. कोई बात नहीं, 26 सही है, 28 गलत है ऊपर नीचे वालों का. कोई बात नहीं, कुल मिला के ये है कि जो हमने किया था इस तरह से, अगर किया है तो वो आंसर गलत आएगा. इसी चीज को सावधान करने के लिए आपको केयरफुल रहने की जरूरत है. यकीन मानो एग्जाम में यही होता है कि जे वाले को पहले लिख देगा और आई वाले को बाद में लिख देगा, बच्चे का ध्यान नहीं जाता, तो ये इस तरह की मिस्टेक होती है. तो अगर आपने ऐसे 28 आंसर निकाला है, तो 2 का 2 के संग 4, 4 का 3 के संग 12, 6 से 12, 28 आएगा, तो 28 आंसर नहीं आएगा, 26 आंसर आएगा. चलिए आज की क्लास को यही रोकते हैं, ठीक है, कल कंटिन्यू करेंगे. और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो फीस वीस जमा करने के बारे में सोचो. कई बच्चों की आ भी गई है फोन करके, उन्होंने काफी दिन हो गए, मेरे ख्याल से 5-6 दिन हो गए, ठीक है. चलिए कल मिलते हैं.